ready. हो सकता है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत हर्ट करे, बट सच बोलेंगे बिल्कुल. एंड एक एक वर्ड आज मेरा यहां से बोला हुआ आप उसके साथ रिलेट कर पाएंगे. प्लीज बेटा, आई रिक्वेस्ट यू, स्टॉप वेस्टिंग योर पेरेंट्स मनी. आई रिक्वेस्ट यू, आपके पेरेंट्स ने ये पैसा बहुत मुश्किल से कमाया है. हो सकता है काफी सारे पेरेंट्स या फैमिलीज ऐसे होते हैं जो वेल सेटल्ड होते हैं, उनके लिए पैसा इतनी बड़ी चीज नहीं होती है. बट ज्यादातर बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हैं अपनी नीट की प्रिपरेशन में, वो कहीं ना कहीं एक एवरेज फैमिली से हैं, या फिर मे बी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं काफी सारी चीजें, बट अपने बच्चे की एजुकेशन के ऊपर पैसा कहीं से भी जुटाकर लगा रहे हैं, चाहे किसी से उधार ले रहे हैं या वट एवर द थिंग्स विल बी. बट आप क्या कर रहे हैं? क्या आप उस पैसे का एक 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 पैसा आप वसूल कर पा रहे हैं अपने पेरेंट्स का? सच में मेहनत कर रहे हैं उतनी? सच बताना एकदम दिल पे हाथ रख के. आपकी बड़ी बहन जैसी हूं इसलिए पूछने आई हूं कि क्या आपने अगर पिछले साल किसी एक नामी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, बहुत सारे पैसे दिए, क्या आप नीट का पेपर देने के बाद आकर ये सोच रहे हैं कि आपने एक बार पैटर्न को देख लिया है, यू हैव ऑब्जर्व द पैटर्न, नेक्स्ट ईयर अगर हम सेम उसी कोचिंग में जाएंगे या किसी और नामी कोचिंग में जाएंगे, हमें थोड़ा सा और ज्यादा ब्रशअप करने की जरूरत है अपने कॉन्सेप्ट्स को और हम सिलेक्शन पा जाएंगे? कम ऑन बेटा, आपने एक साल पूरा लगाया था उस कोचिंग में, रिजल्ट्स नहीं मिले, इसका मतलब आप में कुछ ना कुछ तो कमी है, आप कुछ ना कुछ तो धोखा कर रहे हैं खुद के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ. ये 100% ऑफ द बच्चों पे लागू नहीं होगा, देयर विल बी सम एक्सेप्शंस, बट ज्यादातर बच्चे आज के टाइम पे यही कर रहे हैं. एक नामी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना, अपने पेरेंट्स के पैसे लगवाना, एंड देन एट द लास्ट मोमेंट उनको रियलाइज हो जाता है कि इतने बैकलॉग्स बन चुके हैं कि हम अब पार नहीं होंगे, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा. सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू अगेन, ये एक एक पैसा जो आपके पेरेंट्स ने कमाया है ना, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए. बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं उनको तुमसे, और ऐसा नहीं कि तुम उस पर खरे नहीं उतर सकते, डेफिनेटली उतर सकते हो, बट तुम्हें काम करने की जरूरत है, तुम्हें एक वेकअप कॉल की जरूरत है बेटा, कि अगर आज से तुम सीरियस नहीं होते हो ना, तो डेफिनेटली बेटा देयर विल बी नो वन हु इज गोइंग टू सपोर्ट यू आफ्टर 5 years. मिनिमम टाइमलाइन बता रहे हैं, 5 साल के बाद बेटा हर कोई जितना करीब से करीब होता है ना, वो तुम्हारी तरफ ऐसे देख रहा होगा कि क्या चाहते हो तुम अपनी जिंदगी से. इसलिए बोल रहे हैं कि अभी भी वक्त है, अगर तुमने एक बार कोचिंग ले लिया है, नो नीड टू एनरोल इन दैट ह्यूज मनी वाली कोचिंग्स अगेन. इतना पैसा दोबारा लगा के कोई फायदा नहीं है. यू हैव योर नोट्स, यू जस्ट नीड टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन टुवर्ड्स योर गोल. एंड द सेकेंड थिंग, इधर उधर भटको मत. हर बच्चे का तरीका, हर बच्चे का भाग्य अलग होता है, सब सेम नहीं होता है, सब कुछ सेम नहीं है सबके लिए. हाँ मानते हैं वो तुम्हारा जो एम है ना, इस बार 24 लाख बच्चों का, अगले साल शायद ज्यादा बच्चों का, वो सेम है, बट ये जो रस्ते हैं ना बेटा सबके, वो अलग अलग जा रहे हैं.
किसी के घर पे ज्यादा पैसा है, ठीक ठाक पैसा है, वो अफोर्ड कर सकता है, वो मे भी 2 से 3 बार कोचिंग ले लेगा। बट अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तुमको तुम्हारे पेरेंट्स ने अगर किसी कोचिंग में एनरोल करवाया है, तो उसमें सीरियस होकर पढ़ो। और यहां इस चैनल पर, डॉक्टर अड्डा चैनल पर, हमारी कंप्लीट टीम फ्री में करवा रही है बेटा तुमको नीट 2025 की तैयारी। बट कहते हैं ना यार, जब तक जेब में से एक पैसा ना जाए ना, उस चीज की वैल्यू नहीं होती है। आप कैसे, अगर आपके पास आईफोन हो तो उसको संभाल संभाल के रखते हैं, बट वो जो नोकिया वाला फोन है उसको हम 10 बार भी गिर देना, वो टूटता नहीं है और उसकी हमें वैल्यू नहीं है। बहुत पुराने टाइम की बात कर रहे हैं बट सच बात कर रहे हैं। आईफोन को कैसे संभाल संभाल के रखते हो ना, हाई गिर ना जाए, हाई इसको कुछ हो ना जाए, इस पे स्क्रैच ना आ जाए। क्यों? पैसे लगे हैं ना उस पे। जब कल को खुद पैसे लगाऊंगे ना बेटा, एक एक रुपया कमाऊंगे ना, देन यू विल रियलाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो प्लीज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स मनी। महंगी कोचिंग्स में एनरोल करने से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन तब होता है जब तुम ठान लेते हो कि इस बार मैं सिलेक्शन लेकर रहूंगा या लेकर रहूंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस चैनल पर, अगर आप सच में चाहते हैं नीट 2025 में सिलेक्शन पाना। स्टे ट्यून्ड, विश यू गुड लक।